So now we are 100,000 subscriber family. We have crossed the 1 lakh mark. I'm thankful to each and every one of you. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. Dr. Dixit Diet. रिसेंटली 2018 में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था. बहुत सारे लोगों ने ये एक डाइट प्लान को चुना है अपनी एक लाइफस्टाइल को हेल्दी करने के लिए. आज मैं आपको बताऊंगा दीक्षित डाइट है क्या, डॉक्टर दीक्षित है कौन, ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, एक्चुअल ये डाइट है क्या, वो मैं आपको आज एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ. बिकॉज इससे रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड के अंदर और बहुत सारे लोग ये जो पर्टिकुलर डाइट है इसे रॉन्ग वे में करते हैं एंड देन दे आर नॉट गेटिंग द यू नो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डाइट और लाइफस्टाइल. और हाँ, ये जो डाइट है वो क्लेम करता है कि आप अपना वेट लूज करेंगे, आप अपने जो बेली के अराउंड इंचेस हैं, जो वेस्ट सर्कमफेरेंस है आपकी, वो भी कम होगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका जो इंसुलिन प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर वो भी कम होगा. उसी के साथ साथ डायबिटीज़, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो उनके चांसेस भी कम हो जाएंगे ये एक डाइट फॉलो करने से. तो सबसे पहले व्हाट इज द दीक्षित डाइट और डॉक्टर दीक्षित डाइट. ये एक पर्टिकुलर ईटिंग प्लान है, एक लाइफस्टाइल चेंज है. मैं इसे एक लाइफस्टाइल बोलूंगा और एक डाइट नहीं बोलूंगा बिकॉज वो आपको समझ में आ जाएगा एज यू प्रोग्रेस इन द वीडियो. बट ये एक ईटिंग पैटर्न है जहाँ पे जो प्रपोजर है डॉक्टर दीक्षित, ही इज टेलिंग कि हमें दिन में सिर्फ 2 बार खाना चाहिए. पूरा दिन का आप जो खाना खाते हैं वो 2 मील में आप खाएं, उसके अलावा आप कुछ ना खाएं. डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित, डॉक्टर जे वी दीक्षित जो उनका नाम है, इन्होंने जो है ये डाइट को पॉपुलराइज किया है 2014 के अंदर एक्चुअली. बट अब जाके वो यू नो न्यूज़ मीडिया के अटेंशन में आ रहा है. तो इस डाइट में बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया 2 मील आपको खाने हैं और 2 मील के अलावा आप ना स्नैक्स खाएंगे, ना जंक खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे. सिर्फ दिन में 2 बार आप खाएंगे, वो आप कभी भी खा सकते हैं अपने भूख के हिसाब से. अब चलते हैं रिसर्च पेपर के अंदर और रिसर्च पेपर 1 by 1 सारी चीज़ें पढ़ेंगे और जानकारी पूरी की पूरी लेंगे कि ये डाइट है क्या. इंट्रो अगर आप देखेंगे इस चीज़ का तो उसके अंदर आपको वही दिखेगा, ओबेसिटी, कार्डियक डिजीज, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि वो कितना बड़ा एक प्रॉब्लम बन चुका है हमारे इस जनरेशन के अंदर. अब इसके अंदर हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो हमें दिखेगा कि डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का नाम यहाँ पे निकल के आता है और वो एक्चुअली ही वॉज द पर्सन जिन्होंने कार्बो इंसुलिन थियोरी उसको पॉपुलराइज किया था. उन्होंने बोला था कि जितना आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन बनेगा और आपके जो ये सारे इलनेसेज, ओबिसिटी, ये वो सारे जो रिस्क हैं वो बढ़ जाएंगे. अब ये रिसर्च पेपर के अंदर आपको एक टेस्ट दिखानी थी, उनको एक क्लिनिकल ट्रायल दिखाना था टू प्रूव दैट दिस वर्क्स. उसके लिए उन्होंने किया ये कि 1 साल का टेस्ट रखा, 2013 से 2014 ये उन्होंने एक टेस्ट रन किया इन अ टोटल ऑफ 446 पेशेंट्स, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली हाफ एंड हाफ मेल्स वर्सेस फीमेल्स थी. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इन्होंने मेंशन किए हैं, सबसे पहला ये है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर डायबिटिक्स. अब यहाँ पे आई कैन डिबेट अ बिट बिकॉज ये जो ईटिंग प्लान है फॉर सम पीपल हु, अगर उन्होंने सही तरीके से इसे किया तो ये डायबिटीज़ अगर आपको है तो उसका जो आपका इंसुलिन डिपेंडेंसी है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकता है अगर आपने सही तरीके से इसे किया तो. सो ये एक डिबेटेबल है कि डायबिटिक्स के लिए ये काम नहीं करने वाला, शायद कर सकता है. दूसरी जो बात है, बिलो 18 इयर्स ओल्ड आपको इस डाइट को या इस ईटिंग प्लान को करने की ज़रूरत नहीं है. अग्रीड, बिलो 18 ईयर्स को करने की ज़रूरत नहीं है बट कर सकते हैं, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर. टिल द टाइम यू आर ईटिंग हेल्दी, यू ईट व्हेन यू आर हंग्री, दैट्स मोर देन इनफ. अब इन्होंने जो यहाँ पे एडवाइसेस दी हैं वो 1 by 1 हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इसके अंदर. सबसे पहला, आइडेंटिफाई द टाइम ऑफ हंगर. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है. वो लोग बोल रहे हैं कि जब तक आपको भूख नहीं लगती तब तक आप खाइए मत, जब आपको भूख लगती है तब आप अपना फर्स्ट मील कंज्यूम करिए, उसके बाद कुछ भी मत खाइए और जब आपको नेक्स्ट टाइम भूख लगती है तब आप अपना सेकेंड मील कंज्यूम करिए. दूसरा जो उनका एडवाइस है, दे आर सेइंग कि आपको 2 ही मील्स खानी है लेकिन आपको जो मर्जी आए, जो आप पहले से खाते आ रहे हैं
वही आप खाना कंटिन्यू करिए। तीसरी जो पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि 70% आपको लंच में खाना है, 30% आपको डिनर में खाना है। फोर्थ जो पॉइंट है, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एनी फूड आइटम्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे मेंशन किया गया है, नो फ्रूट्स, नो ड्राई फ्रूट्स, नो शुगर्स और शुगर सब्स्टिट्यूट्स इन बिटवीन द मील्स। इसके बाद उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि शुगर सब्स्टिट्यूट्स भी आपको नहीं लेने, बिकॉज इवन दैट कैन रिलीज इंसुलिन। अब ये कुछ हद तक सही है, अगर आप सुक्रलोज, माल्टोडेक्सट्रिन या स्टीविया तक अगर आप लेते हैं तो थोड़ा बहुत इंसुलिन रिस्पॉन्स आपको होता है। सुक्रलोस और माल्टोडेक्सट्रिन में बहुत ज़्यादा इंसुलिन रिस्पॉन्स होता है, स्टीविया में उतना ज़्यादा नहीं होता। बट एरिथ्रेटॉल करके एक शुगर सब्स्टिट्यूट है जिसके अंदर सबसे कम मात्रा में आपका जो इंसुलिन है वो रिस्पॉन्ड करेगा बॉडी के अंदर। सो इफ़ एट ऑल इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ सब्स्टिट्यूटेड शुगर तो आप एरिथ्रेटॉल ले सकते हैं या ज़ाइलिटॉल ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने मेंशन किया है, अगर आपको दो मील लंच और डिनर के बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आप बटर मिल्क लेंगे या फिर कोकोनट वाटर लेंगे। ठीक पॉइंट है, इनिशियल स्टेजेस में चल जाएगा, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग टू कंज्यूम ईदर ऑफ द टू। लास्ट जो पॉइंट है वो लोग ये मेंशन कर रहे हैं कि वेट आपका हर 15 दिन में चेक करिए एंड जो आपका वेस्ट साइज है, वेस्ट सर्कमफरेंस है, वो आप एवरी मंथ चेक करिए। ये सारी चीज़ें थी, ये डाइट क्या हैं, इनके अंदर क्या वो कहना चाहते हैं, आपको कैसे खाना है, वो सारी चीज़ें। अब रिजल्ट क्या निकला, जो 450 के करीब लोगों ने इस चीज़ को किया एक साल तक, उससे रिजल्ट क्या निकला और वही मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो 446 लोग थे, उसमें से जो है सिर्फ 428 लोग रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाए, बाकी जो लोग थे वो रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर पाए बिकॉज उनको हेडेक्स हो गए या फिर थोड़ी हेल्थ खराब हो गई या फिर वो दो मील कर ही नहीं पाए, उनको बीच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो उनको छोड़ के बाकी सारे लोगों ने इस चीज़ को किया एंड उन्होंने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। अब रिजल्ट्स, एवरेज वेट लॉस जो हुआ आउट ऑफ दीज पीपल 428, पहले महीने में 1.5 केजीज वेट लॉस हुआ, तीसरे महीने तक 4.2 केजीज वेट लॉस हुआ और छठे महीने तक 6.8 केजीज वेट लॉस हो गया। ये था ऑन एन एवरेज, कुछ लोगों का इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर मेटाबॉलिज्म एंड व्हाट यू आर एक्चुअली ईटिंग। एंड द लास्ट पॉइंट, इस एक साल के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं दिखे हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, हेल्थ में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है जिसके वजह से उन्हें ये जो टेस्टिंग है वो रोकना पड़े। इसके अंदर उन्होंने ही लिमिटेशंस अपनी बताई हैं कि सबसे पहला ये जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया वो सेल्फ रिपोर्टेड डेटा था, तो जो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्होंने ये डेटा दिया है, तो कोई ऐसी गवर्निंग बॉडी नहीं थी या कंट्रोलिंग ग्रुप नहीं था जो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर डेली ये चीज़ मेजर करे। एंड इन अ वे ये लिमिटेशन नहीं है बिकॉज रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कोई आपको टाइम टू टाइम खिलाने नहीं वाला है और इसी टाइम पे रोज़ मेजर नहीं करने वाला है, इट इज़ अ डेली नेचुरल लाइफस्टाइल फिनोमिनन, तो ये ठीक है, इट इज़ नॉट दैट बैड। एंड दूसरी जो चीज़ थी, देर इज़ नो चेक ऑन द कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट, मतलब इसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कम कैलोरीज खाई दो मील के चलते हुए, और ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो दो मील खाने के बाद बहुत ज़्यादा वर्कआउट करके बहुत सारा कैलोरीज आउट भी कर रहे थे, तो उसका कोई एक चेक नहीं था, दैट इज़ वन नेगेटिव पॉइंट। द मेन पॉइंट इज देर इज़ नो फंडिंग इन दिस, कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बॉडी का कोई भी फंडिंग नहीं है इसके अंदर, दैट इज़ द बेस्ट थिंग बिकॉज ये एक इंडिविजुअल स्टडी है। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी चलते हैं प्रोज एंड कॉन्स, मैं क्या सोचता हूँ इस डाइट के बारे में आपको करना चाहिए क्या नहीं। सबसे पहले कौन से शुरू करेंगे, दे हैव मेंशनड नो रेस्ट्रिक्शन ऑन फूड, जो आप पहले खा रहे थे वही आप अभी खाइए। सपोज आप 90 या 100 किलो के ओबीस इंसान हैं, अगर आप पहले दिन के 8 मील खाते थे और उसमें से मोर देन हाफ ऑफ इट वॉज जंक या बाहर का खाना, तो वो लोग यही बोल रहे हैं कि आप वो कंटिन्यू करिए बट दो मील में खाइए। ये एक गलत पॉइंट है, ये कौन है इस डाइट प्लान का, इस लाइफस्टाइल का। अगर आप वही बुरी चीज़ें खा रहे हैं शायद आपका थोड़ा बहुत वेट लॉस हो जाए बट आपकी क्रेविंग्स कम नहीं होने वाली, तो आप दो मील पर डे ज़्यादा देर तक प्रोलॉन्ग्ड नहीं कर पाने वाले, आप बीच में ये डाइट छोड़ देंगे। एंड थर्ड थिंग, आप बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी रहेंगे बिकॉज आप कम खाना खा रहे हैं और वो कम खाना भी आप ख़राब खाना खा रहे हैं। सो अगर आप वैसा अप्रोच लेने वाले हैं इसके अंदर तो इट इज़ अ बैड अप्रोच। नेक्स्ट जो है इसका जो कॉन है वो ये है कि इसके अंदर कोई एक गाइड नहीं दिया है आपको टू गेट अडेप्टेड टू दिस पर्टिकुलर ईटिंग प्लान, जो दो मील है। जैसे मैंने आपको बताया, मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल वर्ल्ड वाइड ऑल्सो, दे आर यूज टू हैविंग वेरी फ्रीक्वेंट मील्स एंड स्नैकिंग एंड कंज्यूमिंग फूड वेन एवर दे सी इट। तो
उसके चलते हुए इन्होंने यहाँ पे कोई भी ऐसा एक मेथड नहीं बताया है या कोई भी एक आपको एक वे नहीं बताया है कि आपको कैसे ये करना चाहिए। बट वेट, मैं हूँ, मैं आपको बताऊँगा सिंपल वे इसको कैसे आप कर सकते हैं, 2 meal पर डे पे आप कैसे आ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लास्ट जो इसका कॉन है वो यही है कि इसको अडेप्ट करने के लिए आपको टाइम लगने वाला है, ये एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होने वाला, कुछ लोगों को एक हफ्ते तक भी लग सकता है टू गेट यूज टू ईटिंग ओनली 2 times a day। अब चलते हैं प्रोज के अंदर। सबसे पहले तो आई लव दिस कॉन्सेप्ट एंड आई लव दैट इंडिया के किसी डॉक्टर ने हमारे पब्लिक के लिए, पब्लिक के हेल्थ के लिए पहली बार कुछ अच्छा सोचा है एंड दिस इज एक्चुअली गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स इफ डन द राइट वे। ये एक ऐसा डाइट प्लान है जो पक्का आपको रिजल्ट्स देगा इफ यू डू इट करेक्टली, एंड वो इसीलिए देगा बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप बेसिकली एक इंटरमिटेंट फास्ट ही कर रहे हैं जिसके अंदर आप जब तक भूख नहीं लग रही तब तक आप खाना नहीं खा रहे, यूजुअली 12-14 घंटे तो फास्ट हो ही जाएगा आपका इसके अंदर। नेक्स्ट जो है, ये जो मील प्लान आप फॉलो करेंगे 2 meals per day, इससे आपका जो टोटल कैलोरिक इंटेक है वो कम होने वाला है, प्रोवाइडेड यू आर ईटिंग द राइट फूड्स। अगर आप जंक खा रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है तो उसमें आपका कैलोरी काउंट बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएगा। बट इफ़ यू आर ईटिंग होम कुक्ड मील्स और इफ यू आर ईटिंग हेल्दी फूड देन ओवरऑल एज कम्पेयर टू यू नो ईटिंग थ्रू आउट द डे 6 meals a day, इसके अंदर आपके कैलोरीज भी थोड़े कम आप कंज्यूम करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग, इससे आपकी जो बॉडी की इंसुलिन नीड है, बॉडी में जो इंसुलिन बन रहा है वो भी कम होने वाला है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने वाला है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने वाला है। नेक्स्ट, ये सबसे चीपेस्ट डाइट प्लान है जिसके लिए आपको न्यूट्रिशनिस्ट या कोई भी एक्स्ट्रा पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, 0 cost है इसका। ऊपर से ये आपके पैसे भी बचा रहा है खाने के ऊपर, स्पेशली द स्नैक्स एंड द ड्रिंक्स एंड ऑल द थिंग्स विच यू हैव इन मिडिल ऑफ ऑल द मेन मील्स, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, उसके बीच में आप जो चपड़ चपड़ करते हैं वो सारे पैसे भी ये आपके बचा रहा है। नेक्स्ट, इट इज़ गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम, आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचने वाला है। आप सिर्फ 2 बार खाएंगे, दैट्स इट। उसके अलावा आप जो आप मनपसंद काम करना चाहते हैं अपना, वो आप उसके अंदर फोकस्ड रह सकते हैं। नेक्स्ट, ये एक ऐसा डाइट प्लान है, एक लाइफस्टाइल है जिसके अंदर आपको नेसेसरीली एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी वेट लॉस करने के लिए, अपने आप ही जैसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस लोअर कैलोरी इनटेक आप ये कॉम्बिनेशन करके भी वेट लॉस कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए, बट इट इज़ नॉट नीडेड टू सी रिजल्ट। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट एज डिफिकल्ट एज इट सीम्स। जो लोग अभी 6-8 meal खा रहे हैं दिन के, उनके मन में यही होगा कि 2 meal कैसे खाऊंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, ऐसा नहीं होता, इट इज़ वेरी इजी। और जो मैंने आपको बताया कि आई एम गोना गिव यू अ स्लाइड गाइड, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले आपको अगर 5-6 meal खाने की आदत है तो उससे आपको एक हफ्ता लेना है, 1 week के अंदर आपको 5-6 meal से आपको सिर्फ 3 meals पे आना है। आप एक ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। टेक योर टाइम टू गेट अडेप्टेड टू दिस। जब आप 3 meals के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, तब आपको भूख नहीं लगती, क्रेविंग्स नहीं होती, तब धीरे धीरे वो ब्रेकफास्ट जो है वो कट कर दीजिए और जितना आप अपना फास्टिंग रेंज बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए एंड देन डायरेक्टली हैव अ लंच एंड देन अ डिनर। तो बहुत मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे करिए। अगर आप आज 6 meals खा रहे हैं, कल आप 2 meals पे जाएंगे, यू आर गोना क्रैश एंड गोइंग टू लीव दिस डाइट, नहीं होने वाला, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। पहले आप 6 meals से 4 पे आइए, 3 पे आइए, 2 पे आइए, फिर आप जो है उसके अंदर अडेप्ट हो जाएंगे। सो ऑल इन ऑल इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बट आपको एक सही तरीके से करना है। अगर आप ये डाइट प्लान कर रहे हैं, ये ईटिंग प्लान करने वाले हैं, then make sure you're doing it the right way. Bakwas junk food khake, don't expect this diet plan to work the way it should. Healthy rahiye, dheere dheere iske andar progress kariye and then come to this 2 meal per day. Agar aapko ye video pasand aaya, please ise like kariye, share kariye, subscribe kariye mere channel ko aur wo bell icon dabaiye taki aap mera koi bhi video miss na kare. Sare social media links niche description mein honge. Apart from this, इनका जो रिसर्च पेपर था उसकी भी लिंक मैं नीचे छोड़ रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके अच्छे से पढ़िए और समझिए कि ये क्या कहना चाहते हैं। सो गाइज, यही था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वेनसडे। विद दैट सेड, जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम, बी हेल्दी, बाय बाय। डॉक्टर दीक्षित डाइट।